नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तुलसी का पौधा घर में किस दिशा में लगाएं और किस दिशा में भूल कर भी ना लगाएं, इस बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि यदि तुलसी का पौधा जो समस्त हिंदुओं के घर में पाया जाता है, लोग पूजन भी करते हैं, तुलसी का महत्व प्रत्येक हिंदू समझता है, लेकिन क्या उसे इस बात की जानकारी होती है कि कौन सी दिशा है जिसमें तुलसी का पौधा अपने घर में स्थापित करना चाहिए, लगाना चाहिए, और कौन सी वो दिशा है जहाँ आपने अज्ञानतावश या भूलवश तुलसी का पौधा लगा रखा है। तो निश्चित रूप से आप कितने ही संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी आपके पास धन वैभव समाज में प्रतिष्ठा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त होने लगता है, समाप्त होता जाता है। तो साथियों, आज हम आपको इसी विषय पर बताएंगे कि तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाएं ताकि आपको लाभ हो। क्योंकि अज्ञानतावश भी यदि आप गलत दिशा में तुलसी का पौधा घर में लगा लेते हैं तो उससे घर में कलेश, दुख और धन अभाव होने लगता है, व्यापार में भारी नुकसान होने लगता है, लगी हुई नौकरियां भी लोगों को छूट जाती हैं, जॉब छूट जाती हैं, किसी ना किसी झूठे मामले में भी फंस जाते हैं। तो तुलसी का पौधा आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो साथियों, आज हम आपको बताते हैं कि तुलसी का पौधा जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। यदि पूर्व दिशा में स्थान उपलब्ध ना हो तो उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा घर में लगाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूल कर दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा ना लगाएं। जो लोग दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाते हैं वो कितने ही संपन्न क्यों ना हो, तुलसी का पौधा लगाने के साथ साथ दक्षिण दिशा में यदि तुलसी का पौधा भूल बस लगाते हैं तो घर में कलेश, दुख, संकट के बादल जो है मंडराने लगते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दक्षिण दिशा में कभी भी तुलसी का पौधा न लगाएं। पूर्व में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में उत्तर दिशा में भी तुलसी का पौधा किसी गमले में या जमीन में घर की सीमा के अंदर लगाया जा सकता है। और हाँ, तुलसी का जो पौधा है वो घर में सुख समृद्धि तो लाता ही लाता है, साथ ही साथ आपके घर में तमाम जो बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है, तमाम प्रकार के रोगों से भी बचाता है। मलेरिया, डेंगू जैसे असाध्य आजकल की जो बीमारियां मच्छर के काटने से होती है, यदि कोई व्यक्ति तुलसी का पत्र 5 रोज खाए, रोज उसका जो है स्वाद ले, तो उसको कभी भी गंभीर डेंगू जैसी बीमारी भी नहीं जकड़ती। तुलसी जो है रोगों से बचाने के साथ साथ पूजनीय भी है। तुलसी का पूजन करने से मन तो शांत होता ही होता है, साथ ही साथ जो है आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसी का पूजन करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। जिन बालिकाओं की शादियों में विलम्ब होता है वो लोग यदि तुलसी का नियमित रूप से पूजन करें तो उनके विवाह के लोग शीघ्र बनते हैं,
सत्यनारायण का पूजन, शालिग्राम का पूजन, तुलसी का पूजन बिना अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए जो है तुलसी का अपना एक स्थान और महत्व वेदों में भी बताया गया है और समाज में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहीं छूनी चाहिए, नहीं तो तुलसी के घर में सूख जाने का भी खतरा बना रहता है। भले ही आप नियमित उसमें जल दें, लेकिन यदि अशुद्ध अवस्था में आप तुलसी को हाथ लगाते हैं या छूते हैं या गंदे कपड़े तुलसी के पास फैलाते हैं, तो इससे तुलसी जो है वो सूख जाया करती है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी जो है वो एक बहुगुणी पौधा है, उसमें तमाम रोगों को मारने लड़ने की ताकत है। रोग और बीमारियां तो आपके घर में कभी दस्तक नहीं दे सकती, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसी का पौधा, जैसा कि अभी मैंने इस वीडियो में बताया है, कि हमेशा पूरब में लगाएं। पूर्व में यदि तुलसी का पौधा है तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि शांति वैभव और धन की कभी भी कमी नहीं होगी। जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, उस दिशा में हमेशा जो है घर में पवित्र वातावरण, शांत वातावरण बना रहता है। घर में जो है हमेशा कुशल मंगल कार्यक्रम हुआ करते हैं। जिन घरों में उत्तर दिशा में तुलसी को स्थान दिया जाता है या तुलसी का पौधा लगाया जाता है, तो साथियों आज ही अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो लाएं और लाभ लें। तुलसी का पौधा लगाते समय कभी भी दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा न लगाएं। पौधा हमेशा पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में यदि स्थान उपलब्ध ना हो तो उत्तर दिशा में लगाएं, लाभ लें। साथियों यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो निश्चित रूप से शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी लाभ मिले। हाँ, एक और आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी भावना है, इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो इसके लिए प्लीज हमें शेयर करना ना भूलें। ईश्वर तुलसी माँ आपके घर में हमेशा सदा सुख समृद्धि वैभव बनाए रखें। कभी जीवन में आपको कष्ट ना हो, तमाम रोगों से तुलसी आपको बचाए रखे, ऐसी कामना के साथ मैं जो हूँ एक बात और कहना चाहूँगा।